हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। जी हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टार मेकर में एंजॉय ले रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्टार मेकर के जो बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं ना, ये देखो बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गिफ्ट का एक्चुअली होता क्या है, यूज क्या होता है ना, और कहाँ काम आता है। सो वैसे तो सभी जानते हो क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से स्टार मेकर यूज कर रहे हो, मैं तो भी नया नया आया हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इसी के मैटर में आज आपको सब बताने वाला हूँ, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो नाउ। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने स्टार मेकर में चलता हूँ और इसको ओपन करके, और यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए, हमारा स्टार मेकर ओपन हो गया है। गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे पास एक कमेंट आया था जब मैंने वीडियो डाला था, उसमें से एक नीरज सिंह करके कमेंट उन्होंने डाला था, बोला सर मैं जो सॉन्ग रिपोस्ट करता हूँ वो कभी कभी दिखता नहीं, वो कहाँ पर जाता है, या मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जो सॉन्ग पोस्ट करते हैं वो भी कभी नहीं दिखता, वो कहाँ पर जाता है, या मैं जो सॉन्ग पोस्ट करता हूँ वो भी नहीं दिखता। सो भाई, इसका एक ये देखिए, यहाँ पर आप ऊपर स्क्रीन में देखेंगे, यहाँ पर एक फॉलोइंग लिखा हुआ और एक पॉपुलर लिखा हुआ है ना गाइस। तो होता क्या है कि कई बार जब हम स्क्रीन टच करते रहते हैं तो ये क्या हो जाता है कि पॉपुलर में क्लिक हो जाता है। तो गाइस, जब ये पॉपुलर में क्लिक हो जाएगा ना, तो आप जब भी अपने सॉन्ग गाएं या कुछ भी, आप जब इसको चेक करेंगे तो आपका सॉन्ग दिखेगा ही नहीं कि कहाँ गया, और फिर उसमें बहुत से परेशान होते रहते हैं, बोला यार मैंने सॉन्ग तो अभी गाया था, कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ लोड हो रहा है। सो ऐसे बहुत से परेशानी हो जाती है। तो मेरा उनको ये बताना था कि ये आप ना, ये इसमें देख रही है फॉलोइंग वाले में, यहाँ पर क्लिक रहना चाहिए। जब ये फॉलोइंग वाले स्क्रीन में क्लिक रहेगा तब आपको पूरा इसमें हिस्ट्री आपको पता चलती रहेगी कि आपने क्या सॉन्ग गाया और क्या किया। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अभी। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला था, मेन मुद्दा क्या था आज का, जो हमारे को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं वो जाते कहाँ हैं, क्या होते हैं, इन गिफ्टों को करना क्या चाहिए, क्या यूज होता है। तो गाइज, आप यहां पर देख रहे होंगे मेरे प्रोफाइल में मुझे कितने मिले, 4.9 के गिफ्ट्स मिल चुके हैं, है ना। 4.9 के मींस 5,000 के समथिंग अराउंड, है ना। सो मैं उसमें क्लिक करके चलता हूं अपने, जहां पर हमारे जो स्टोरेज होते हैं ना, बहुत सारे गिफ्ट जो रखे रहते हैं, देख देख करके ना बहुत मज़ा आता, वाह इतने सारे गिफ्ट मिले हुए हैं हमें, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओ अमेजिंग, वाह ये गिफ्ट क्या काम आएंगे, हमने यही सोचते हैं ना गाइज, ये गिफ्ट क्या काम आएंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए 386 लालटेन, ये स्टार मोती कितने मिली, 24,460। ये देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े गिफ्ट मिले हुए हैं ना हमें, ये देखिए गोल्डन माइक 6, है ना, और ये तो देखिए म्यूजिक वाला, ओ माय गॉड गोल्डन माइक 6, और ये देखिए म्यूजिक वाला, पता है ये कितने स्टार का है, 1,999 स्टार्स के मिले हुए हैं ना गाइस। तो ये हमने किया है और हमारे एक आध जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे। सो ये देखिए ये भी 9,900, वो सो 99 का, मतलब गाइस इसमें बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट होते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ये सब बस देखते रहो कि ये कितने मिलते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना, आपको देख के मज़ा आने वाली है। और अगर मान लो कोई जो आपका अपोजिट वाली पार्टी है ना, जब वो आपका प्रोफाइल चेक करती है, उसको बहुत सारे गिफ्ट दिखते हैं, वाह इसने इतना गिफ्ट पा लिया, मैं भी देखता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, कब तक मैं इसके पीछे जाता हूँ। ओके सो गाइज, आप यहाँ देखिए, ये इस गिफ्ट का मतलब ये है कि आपको 4,915 गिफ्ट मिल चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है, 4,915, और इसके जो स्टार्स हैं गाइज, ये हमें मिल चुके हैं 16,482 अराउंड, ठीक है। जबकि ये जो है ये पूरा पूरा सही नहीं बताता है, कभी तो आपको दिखा देगा आपके पास 50 माइक मिल गए हैं, 50-15 माइक आपको मिल गए हैं गोल्डन माइक, कभी कुछ दिखा देता है, लेकिन अराउंड लगभग मान लो ये तो मिलते हैं जितने इसमें दिखा रहा है, नंबर ऑफ गिफ्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टार, इसके अगर आप मल्टीपल कर दो तो इतने आपके नंबर ऑफ स्टार हो जाएंगे इसको अगर आप काउंट कर लेते हो तो। अभी मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली मिलता कैसे और ये कहाँ से कहाँ जाता है ना। तो वैसे तो आपको पता है, जैसे आपके सॉन्ग में कोई गिफ्ट डालता है या आप खुद गिफ्ट अपने सॉन्ग में पैड करते हो, तब भी वो जा करके यहीं पर स्टोर होता है गाइज, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए जो हमारे पास मोती है ना, ये कितना है,
2460 है ना, ठीक है, आप इसको काउंट कर लीजिए 2460। और ये है हमारे पास जो सुपरनोवा का टिकट है, ये कितना है 787। ओके चलिए मैं अभी चलता हूँ अपने प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद मैं अपने फैमिली रूम में जाता हूँ, और फैमिली रूम में जाने के बाद ये देखिए मैं अपने फैमिली रूम में आ गया, ठीक है, पार्टी रूम में आ गया। मैं एक चलो सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। चलो एक मैंने सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया जल्दी से, और ये देखिए मैं एक सॉन्ग को इसको क्यों कर लिया, अभी मैं इसको स्टार सिंगिंग में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। दो दिल मिल रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए सॉन्ग स्टार्ट हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, गिफ्ट करना है। सो ये देखिए मैंने मोती वाला गिफ्ट एक मारा, फिर सेकंड भी मार दिया, ठीक है गाइस। चलो इसको सेकंड भी मार दिया, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट है। अभी चलता हूँ मैं बैगेज में, चलो बैगेज के भी गिफ्ट मार देता हूँ। ये सुपरनोवा देखिए मेरे पास ये एक बचा हुआ, इसको ही मैंने मार दिया। इसके बाद सुपरनोवा भी मेरे पास बहुत सारे हैं, तो चलो इसको भी एक मार देता हूँ, है ना गाइस। सो चलो इसको मैंने मार दिया, अभी इसको मैं कटअप कर देता हूँ अपने क्यों क्यों कटअप कर देता हूँ सांग को। आप यहाँ देख रहे होंगे हमने दो मोती मारा और दो सुपरनोवा टिकट मारा। अभी हम चलते हैं सीधे अपने दोबारा वहाँ पर, कहाँ, जहाँ हमारे ये पूरे गिफ्ट जो हैं तो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम दोबारा अपनी प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाने के बाद गिफ्ट वाले कॉलम को क्लिक कर देते हैं। जैसे गिफ्ट कॉलम को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखिए दोबारा हमारे पास, और थोड़ा सा नेट स्लो है गाइस, ये देखो हमारे पास ये आ गया। अब ये देखो है ना, हमने वहां पर मारा, अभी आप यहाँ देखो स्टोर में जाकर के ये शो करने लगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 2462 हो गया और ये 789 हो गया, है ना। पहले कितना था, 2460 था, और ये अभी 62 हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर दो बढ़ गए, और इसमें था 787, है ना, 787 था, तो ये 789 हो गया। तो मैंने जो स्टार मारा यहाँ पर, इसने काउंटिंग के लिए अपने पास रख लिया कि किसके किसके स्टार कितने आए हैं। गाइज इसमें जो भी कोई अगर मान लो मारता है आपको स्टार, जो भी गिफ्टिंग करता है, इसमें सभी गिफ्टिंग आपके इसमें कैलकुलेट होकर इकट्ठा हो जाता है। तो आप इसमें सिर्फ चेक कर सकते हो कि हाँ मेरे पास इतने गिफ्ट आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके ये सारे गिफ्ट कौन किसने कितना दिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं चलता हूँ गाइज, आपको ये दिखाता हूँ कि ओके। सो अभी मैं चलता हूँ दोबारा गिफ्ट वाले कॉलम में ही, चलो ये मैसेजेस में चलता हूँ गाइज। अभी अभी आपको बताता हूँ, और कि जैसे आप जो सॉन्ग करते हो ना, जो आपके कमेंट भी आते हैं, और बहुत सारे कमेंट आते हैं, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर गिफ्ट वाला ऑप्शन है। तो आपका जो यहाँ पर जो भी गिफ्ट मिला होता है, जो आपके सॉन्ग में जो आप मान लो सॉन्ग गाते हो ना तो, और पोस्ट कर देते हो, तो जो आपके सॉन्ग में गिफ्ट्स मिलते हैं, आप यहाँ देखो, जैसे इन्होंने शिवानी जी ने मुझे ये दिया है, यहाँ बहुत सारे गिफ्ट देखो हम मिलते रहते हैं कई बार। तो ये देखिए यहाँ पर वन फ्लावर, वन स्टार, ये थ्री स्टार, ये 11 मोती है ना। तो ये भी जितने भी हमको यहाँ से जितने भी मिलते हैं, ये सारे सब इकट्ठा होकर के वहीं पर जाते हैं। मतलब टोटली आपका कैलकुलेशन जो होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने में ये पता चल जाता है कि मुझे ये स्टार, ये गिफ्ट, ये इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसका और कोई भी मीनिंग नहीं है गाइज। जी हाँ, आपको सुन के ये बहुत दुख होगा कि इतने स्टार हमको मिलने के बाद, इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद हमको क्या फ़ायदा है। गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हो ना यहाँ पर, कितने नंबर्स के होते हैं ये, है ना। आप यहाँ देखो ये 70 डायमंड्स मिले हुए हैं, और ये बहुत सारी ये जो भी चीज़ें मिलती हैं गाइज, तो कोई काम की नहीं है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ गाइज, ये स्टार मेकर ना, सच में बता रहा हूँ, क्या बोलूँ भी, मुझे ना बुराई करते भी नहीं आता, क्योंकि मैं ही खुद इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की। लेकिन आप सब समझदार हो, समझते हो, है ना, इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं। और गाइज मैं आपको बताऊं, गिफ्टिंग से होता क्या है, आपको पता है ना, जब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो क्यों खेलते हैं पब्स या कोई गेम क्यों खेलते हैं किसी भी उसमें मोबाइल में, आपको पता है क्यों, क्योंकि गिफ्ट मिलते हैं, और वो गिफ्ट हम किसी न किसी इसको इसको देते रहते हैं। इसके बाद ये देखो गाइज, कहीं कहीं ये झूठ भी बताता है, जैसे ये दो है दिल, अभी ये 9 9 जो स्टार के हैं, दो दिल मिले हुए हैं। इस समय तो बहुत सारा इसका गेम चल रहा है, यहाँ पर जो दिल है ये 2 स्टार के दिल हैं, ये 7 दिखा रहा है,
तो ये कहीं कहीं झूठ भी बता देगा क्योंकि ये बहुत सारे मुझे मिले हुए हैं, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं मुझे बहुत दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखा रहा है। सो कोई बात नहीं, कम दिखा रहा है तो क्या करना है, हमें इससे कौन से मेडल मिलना है, हमें इससे कौन से ट्रॉफी मिलनी है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये था कि हम टाइमिंग की कितनी बर्बादी कर रहे हैं, है ना। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, क्या डांटते हैं कि ये गेम मत खेलो, ये गेम से आपकी आंखें खराब होगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, मोबाइल खराब हो जाएगा, अभी से इतने गेम खेलने, तरह तरह की उनको कितना हम टार्चर कहते हैं। लेकिन इंक्लूडिंग मी, हम क्या कर रहे हैं इस समय, आपको पता है इस समय क्या चल रहा है, गेम 8 से 9 चल रहा है ना नाइट में, आप सबको पता होगा 8 से 9 क्या गेम चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस गेम को 1 घंटा तक खेलते हैं, मोबाइल की बैटरी की बैंड बजा देते हैं, है ना, मोबाइल का डाटा आप सोचो 1 घंटे में आपका कितना कंज्यूम हो रहा होता है, उससे पहले आपको कितने टास्क कराए जाते हैं, है ना, टास्क कराए जाते हैं ना, टास्क करो तब डाटा कंज्यूम हो। मतलब कहने का कि हम जो बच्चे हैं वो क्या यूज करते हैं, उससे ज़्यादा तो हम इस समय स्टार मेकर में अपना टाइम दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा हम इस गेम को, और गए जो उससे ज़्यादा जो है ना हम इस गेम को इस समय खेल रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं बच्चों को। सो मेरा यही कहना था गैज कि ज़्यादा ना ये स्टार मेकर में उतना ही हमें समय अपना व्यर्थ करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, है ना। ये एक सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के तौर पे हमें थोड़ा बहुत लेना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। सो गाइज मेरा यहीं तक था, और मैंने आपको एक और बताया था कि देखो मैं अभी मेरा कल मेरा 43 लेवल कंप्लीट होने वाला है, तो आप ये देखिए, हाँ आज मैंने 43 लेवल भी अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको पता है कि 40 लेवल के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें, बहुत ज़्यादा ये सब इधर उधर से जब कॉइन मारो, अपने गोल्डन कॉइन यूज करो तब जा करके लेवल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो अभी ये 43 लेवल के बाद ये देखिए हमें अभी 600 XP चाहिए होगा, है ना। तो 600 के लिए आप ये लगा लो कि अगर मिनिमम, मतलब नॉर्मली जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है कि 20 जो XP है वो लगभग डेली मिल ही जाती है ना, 20 लगभग मिल जाती है। सो अगर आप लगा लो कि 20 × 30, 30 × 20 मतलब 30 डेज का अगर मंथ आप लगा लो, तो ये 30 × 20 = होता है 600, है ना। तो आप ये लगाओ कि आपको 600 EXP करने के लिए मिनिमम 30 डेज चाहिए होगा, अगर आप कंटिन्यू जितने मैंने टास्क बता रखे हैं अगर वो करते हो तब, अगर आप किसी भी दिन थोड़ा सा चूक जाते हो तो आपकी ये EXP इतनी होगी नहीं। सो देखते हैं, मैं तो इसको जितना जल्दी हो सके मैं ट्राई करूंगा कि अगर 30 डेज तो नहीं, लगभग मेरा 20 to 25 डेज के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। जब जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं आप सबको बताऊंगा। ओके, मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और जो कुछ भी हमने बताया आप उसको थोड़ा बहुत तो अमल करेंगे ही, और हमारे जो टास्क ये जो भी रिवार्ड मिलते हैं आप उसके बारे में सबको मैंने बता दिया कि ये किसी भी काम का नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावटी है। बाकी गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि ये गिफ्ट कौन कितना देता है। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना गाइज, थैंक यू।